गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले क्लास में हम सबने प्रथम खंड में खंड एक में पढ़ा था स्वर वर्ण और स्वर वर्णों की संख्या, वर्ण विचार, स्वर वर्ण और स्वर वर्णों की संख्या। अब दूसरे खंड में अगले खंड में हम चलेंगे तो हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो ठीक स्वर वर्ण का उल्टा है। उसमें हमने पढ़ा था कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें पढ़ेंगे जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। उसमें पढ़ा था कि जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और इसमें है जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी ही पड़ती है, यानी कि बिना लिए इसका काम चलेगा नहीं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है और जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी ही पड़ती है, उस वर्ण को या उन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी ही पड़ती है और जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दन्त स, ह। और तीन नीचे है छ, त्र और ज्ञ। इसको संयुक्त वर्ण में गिनते हैं। इसको आप व्यंजन वर्णों के अंतर्गत तो मानते हैं, लेकिन संख्या में इसको नहीं गिनते। अब कहिएगा कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ है, इसको हम क वर्ण बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क वर्ण। क, ख, ग, घ, ङ को क वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। ये जिस लाइन का प्रथम वर्ण है उसी के नाम से उसका वर्ण होता है, इसको कहते हैं च वर्ग, इसको बोलते हैं त वर्ग, इसको बोलते हैं त वर्ग और इसको बोलते हैं प वर्ग। अब इसको य वर्ग मत कहिएगा, वर्ग पांच ही होते हैं, है ना। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग के अंतर्गत क, ठ, ढ, ढ, ण, क वर्ग के अंतर्गत क, थ, ध, ध, न, और क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, म। इस तरह पांच वर्ग मिलकर, पांच वर्ग मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 25 वर्ण। पांच वर्ग मिलाकर कितने होते हैं? 25 वर्ण। और इन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग, इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये य, र, ल, व, य, र, ल, व, इन चार वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण, कौन सा वर्ण? अंतस्थ वर्ण। इन चार वर्णों को कहते य, र, ल, व, इन चार वर्णों को अंतस्थ वर्ण। उसके आगे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, इन चार वर्णों को बोलते हैं उष्म वर्ण। कौन सा वर्ण? उष्म वर्ण। और छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ, इन तीन वर्णों को संयुक्त वर्ण बोलते हैं। संयुक्त वर्ण, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और य, ल, ल, व, चार वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, इन चार वर्णों को उष्म वर्ण कहते हैं। और
छ त्र य इन तीन वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब आप कहिएगा कि सर व्यंजन वर्णों की संख्या है कितनी, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बता दे व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है, 33 व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। आप बोर्ड में देख रहे हैं कि यहां पर हम लिखे हैं 36 और बता रहे हैं 33, तो आपके जानकारी के लिए बता दे हमने पहले भी कहा कि नीचे के जो तीन संयुक्त वर्ण है इसको हम व्यंजन वर्ण के अंतर्गत तो मानते हैं पर कि इनकी संख्याओं को गिनते नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त है दूसरे वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको हम बार बार नहीं गिनते, इनको यहाँ गिना जा चुका है। इसके लिए आपको विस्तार से जानना पड़ेगा, है ना, अगले क्लास में फिर इसके बारे में हम विस्तार से समझाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए यूट्यूब चैनल SFMS के माध्यम से और घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।